नमस्कार दोस्तों, किरण होम किचन में आपका स्वागत है। मैं आज अरसा और अनरसा भी लोग बोलते हैं, गांव में सब अरसा बोलता है और शहर में अनरसा। मैं बिहार का अनरसा बनाने जा रही हूँ। गया का नामी अनरसा है, इसमें मेवा भर के बनता है। ये 3 कटोरी चावल का आटा है, इसमें थोड़ा मैं घी देती हूँ 2 चम्मच। एक चम्मच इलायची पाउडर, और ये चीनी का पाउडर है। 3 कटोरी चावल है, उसके हिसाब से मीठा हमको डालना है। एक और थोड़ा हो जाएगा। चावल जो है ना, ना ज्यादा महीन होगा और ना ज्यादा मोटा, थोड़ा दानेदार। देखिए, ज्यादा मोटा भी नहीं है और ना ज्यादा महीन है, मीडियम है। इसको इस तरह से पीसना है। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, ठंडा पानी में नहीं डालूंगी। इस घी और इलायची पाउडर और चीनी पाउडर और चावल पाउडर को मैं मिक्स कर लेती हूँ हाथ से अच्छे तरह से। अब थोड़ा थोड़ा गर्म पानी देके मैं अच्छी तरह से सानूंगी। मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ पहले, पानी भी थोड़ा गर्म हो जाए। पानी देखिए उबाल आने पर हो गया है। अब मैं आटा थोड़ा सा और होगा पानी, उसके बाद आटा इसी से गूंदूंगी, ठंडा पानी से नहीं। और जैसे कि आपका चीनी का पाउडर नहीं बना हुआ है तो चीनी का घोल बना के चाशनी, और मगर तार नहीं होना चाहिए, और पानी भी उतना ही डालना है जितना कि आटा में समा जाए, और उसी हिसाब से आटा को फिर गूंदना है। ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ज्यादा कड़ा होना चाहिए। सॉफ्ट आटा डो आराम से बनना चाहिए। अब इसे मैं गूंथती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। गर्म पानी है ना, इसीलिए थोड़ा हाथ से भी मैं चल इसे मिला मिला के इसे गूंथूंगी। पानी लगेगा तो डालेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे। अब मैं इसे मिलाती हूँ, पानी बंद कर देती हूँ। इसको अच्छी तरह से डो मिला के आपको दिखाती हूँ। सॉफ्ट बनना है, देखिए कितना अच्छा डो बन गया। पानी मैंने 3 चम्मच लिया था, बड़ा चम्मच से, उसी से हो गया। फिर इसमें पानी देने का जरूरत ही नहीं पड़ा। इसको आराम से मिला दिए, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, गर्म पानी कम ही लगता है। ठंडा पानी देने से थोड़ा आटा कड़ा रहता है और सॉफ्ट नहीं बनता है, इसलिए गर्म पानी से, या नहीं चीनी नहीं पाउडर है तो चीनी का चाशनी, चाशनी बना के उसके बाद उसमें आटा डाल डाल के मिला लीजिए कुक करके, और आधा घंटा के लिए रख दे। इसमें मैंने घी, इलायची का पाउडर और चीनी का पाउडर डाला है। इसको मैं आधा घंटा के लिए रखती हूँ। कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, उसके बाद दिखाती हूँ। ये सफेद तिल है और ये खोया मैंने घर में बनाया है। इसमें हम चीनी नहीं डाले हैं, बस जो है ना इलायची पाउडर डाल के और बना के सॉफ्ट मावा रखे हैं, इसको भरना है। अब मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। आधा घंटा हो गया और तेल ज्यादा गर्म नहीं होना है। इस तरह से कटोरी नुमा बनाना है। आई खोया बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, जो आराम से हो जाए। इस तरह से लोई बना के तैयार किया है मैं। अब इसे डालती हूँ अच्छी तरह से, तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कम तेल ही। इस तरह से तेल दबा दबा के ताकि निकले नहीं।
इस तरह से मैं सारा डाल दी हूँ और पक रहा है, आंच भी एकदम जीरो पर रखी हूँ ताकि धीरे धीरे बनेगा आराम से। देखिए पक के फट गया है पूरा, आराम से लाल हो गया धीरे धीरे, खास्ता भी बहुत अच्छा बना है। देखिए ऊपर फटता ही है इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि क्यों फट गया, ये जब बनता है ना तो फट ही जाता है। और थोड़ा खास्ता दार भी है ज्यादा इसलिए। इसी तरह से मैं दूसरा बंच बनाती हूँ। देखिए ऊपर ऊपर से इस तरह से डालते जाए पर पलटना नहीं है, ये अपने आप बनेगा और फूल के उठ जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा। फूल रहा है, फूल जाता है अच्छी तरह से और पकेगा भी एक तरफ से ही। उसके बाद इसमें तेल ऊपर से डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे इस तरह से, इसको उलटना नहीं है। देखिए देखिए फूल गया सब, ये अच्छी तरह से अपने आप पक जाएगा, आटा भी पकेगा अंदर से, इसलिए आंच एकदम सीम रखना है और जो है गुनगुना तेल में ही डालना है, गरम तेल में नहीं डालना है तो बेकार हो जाएगा। इसको बस पकने दीजिए आराम से, इसी तरह पकते रहेगा, बीच बीच में घी डालते रहिए और इसको पकाते रहिए। भी बन गया है, इसी तरह आप लोग बनाइए और खाइए और बताइए कैसा बना। मैं गुड़ वाला भी बनाऊंगी कुछ दिन में तो आपको बताऊंगी दिखाएंगे। देखिए इस तरह से बनाना है खास्तेदार, बन गया है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा बना, ताकि मेरा मन फिर करे अच्छा अच्छा कमेंट सुन के बनाने का।